देखें, पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल प्रोवोकेशन में बिलीव ही नहीं करता, ख़ास तौर पे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे कश्मीरी भाई हैं एंड वी वांट कि इट शुड बी वेरी पीसफुल लाइन ऑफ कंट्रोल, ताकि वो अपना रोज़गार जो करते हैं, आबादी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। नंबर टू बात यह है कि पाकिस्तान ने जब भी इंडिया का कॉप हेलीकॉप्टर गिराया है, तो आपने देखा होगा मेरे ख्याल 11 के करीब हमने इस इन दोनों में गिराए हैं। सब के साथ जब गिरते हैं तो उनकी शक्ल बदली होती है, टूटे हुए होते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जो हमारा हेलीकॉप्टर कॉप्टर जो उन्होंने गिराया, क्या जैसे ही उन्होंने गिराया है, तो ये मुझे इसकी समझ नहीं आती कि या तो उसको पहले शादी किसी में इस्तेमाल किया, शादी के फिर मूवी बनाने के लिए, उसके बाद उसको ला के सजा के इंडियन आर्मी को दे दिया कि ये लें आप, इंडिया पाकिस्तान का नाम ले लें। क्योंकि अगर इन्होंने गिराया होता उसके ऊपर कोई नुकसान हुआ होता, गिरते हुए जमीन पत्थर पे गिरता, बॉर्डर पे गिरता, फिर नुकसान हो जाता, वो भी नहीं है। जी कर्नल साहब, आपने बात सुनी, लेकिन सारी चीज ये है कि ऐसा होता ही क्यों है, और ये चीजें जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ पे इसी तरह से लगती रहती हैं, तो आप क्या कहेंगे? और पहली बात ये कि आप ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा है, आप प्लीज उसका रिप्लाई करेंगे। ये मेरा पर्सनल सोच विचार है। आई थिंक वी विल बी टेकिंग आवर डिस्कशन टू अ वेरी लो इफ वी हैव टू डिसाइड अ शादी कर दो। एक बात बताइए, मतलब इसको बड़े राइटियसली इवेलुएट करिए, मैं एक शादी का ड्रोन लाकर रोजाना क्यों नहीं गिराता या क्यों नहीं क्लेम करता? इट कैन बी डन एवरी डे इफ इट इज दैट चीप, इट इज दैट गुड। और जैसा अगर एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि वो बिल्कुल टिप टॉप ब्रांड न्यू कंडीशन में है या जो भी है, वी कैन यूज द सेम ड्रोन एंड शो इट इन अ डिफरेंट एंगल एंड अ डिफरेंट एंगल। सो आइडिया इज, ये नहीं होना चाहिए कि हम इसी बात को सस्पेक्ट करें कि आप बताइए पिछले 30 दिन में इंडिया ने कितने ड्रोन क्लेम किए के गिराए, क्यों नहीं रोज? अगर एम इज कि हमने पाकिस्तान को बुरा बताना, और एक बात बताइए, अगर एक ड्रोन गिरा भी लिया और उसको झूठ बोल दिया, जैसा अगर इंडिकेशन वाइज हम बात कर रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या अगला ड्रोन पाकिस्तान से नहीं आएगा? वो फिर भी आएगा अगर उनका एम है, वो उनकी फ्रीडम है, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनकी टैक्टिक्स है, जो भी। सो वी कांट फाइट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू से कि वो, यस आई मस्ट कमेंट ऑन दैट, वेरी नाइस ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज दैट दे हैव नॉट बीन प्रोवोकेटिव and they have been always having peaceful ideas to exist with India. Why not? We appreciate that. We really appreciate कि अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई ऑफर भेज रहे हैं और वो पीस से रिलेटेड है, काबिले तारीफ है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। मे बी अगेन इसको हमें थोड़ी मेच्योरिटी से समझना पड़ेगा कि मे बी वो प्राइम मिनिस्टर हमारे या वो इंडिया के स्ट्रेटेजिस्ट प्रोबेबली कन्विंस नहीं हो पा रहे कि यस आपका पीस ऑफर और नॉन प्रोवोकेटिव एटीट्यूड बिल्कुल करेक्टली ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है। आई थिंक इसको हमें ब्रिज करना चाहिए, और इसमें ब्रिज करने के तरीके निकालें, तब तो कहीं आपके और मेरे बीच में एक इंटेलेक्चुअल, एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर इस बात का मेरे ख्याल बेनिफिट दोनों देशों को और पब्लिक को मिलेगा कि हम यहाँ उस एक ड्रोन के पीछे नहीं है। यस, जो आरजू जी ने पूछा है कि इस तरह की बात क्यों आनी चाहिए, सेंसेशनलाइजेशन इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। बिल्कुल जी जी ब्रिगेडियर सर, आपको लग रहा है वो कह रहे हैं कि नहीं शादी का क्यों लेकर आएंगे, वरना तो फिर रोज ही कर लें, इतने दिनों का गैप क्यों है? वो तो जस्ट आई वाज टॉकिंग ह्यूमरस, अदरवाइज बेसिकली कंसेंड्रा को पता है कि जब ऊपर से फायर करके गिराते हैं और फिर जब गिरता है जमीन पर तो और डैमेज होता है, तो वो दैट वाज माय पॉइंट, जिसकी वजह से मेरा ये पॉइंट था कि शायद वहाँ पर इंडिया से ही है यूज, क्योंकि हमारा, या हो सकता है ये भी है कि उनके अपने इलाके थे, उनको पता भी ना हो, और जो फ्लाई करते हैं और वो आके, जो आजकल बड़े हाई बच्चे भी फ्लाई करते हैं और उसके बाद वो उनसे कंट्रोल नहीं रहता, तो कहीं आके गिर जाता है, ग्रेट, वेरी तो यही का नाइस। पार्ट है। मैं इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए तैयार हूँ दैट यस ब्रिगेडियर साहब का ऐसा सोच है कि हो सकता है किसी बच्चे ने अपना ड्रोन उड़ाया हो या किसी ने पर्सनल ड्रोन उड़ाया हो और शायद उसको इंडियन आर्मी ने गिरा लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है। हालांकि अगेन वही वाली बात, इसको अगर हम राइटियसनेस के क्लॉज में, जो मैंने बोला कि जो भी हम बात करें इट मस्ट रिफ्लेक्ट दी राइटियसनेस, कि जो बात का नतीजा आपको इंप्रेशन आ रहा है वो सही आना चाहिए, इस तरह की पॉसिबिलिटी शायद
शायद इसलिए मैं देखता हूं कम रही होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक बॉर्डर विलेजेस में इतना हाईटेक एनवायरनमेंट आपके तरफ या हमारे तरफ है। प्लस इस तरह का पैसा जिसमें एक ड्रोन खरीद कर एक बच्चा या कोई भी फॉर दैट मैटर शौकिया तौर पर उड़ा रहा हो कि शायद वो अफोर्ड कर पा रहा हो। बट नॉट विदस्टैंडिंग गुड पॉइंट, यस इट कैन बी सीन, इसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। बाय द वे उसी तरह ही इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ब्रिगेडियर साहब एक नई बात बोलना चाहूंगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारा एक ड्रोन आपके यहाँ है, क्योंकि अभी उल्टा बोलेंगे तो फिर हमारा वो नेशनलिस्टिक फर्वर शुरू हो जाएगा। मैं उल्टा चला कि हमारा ड्रोन आपके तरफ आया और आपने गिरा, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों नहीं इंडिया बिल्कुल ओन अप कर सकता है कि आर ड्रोन बाय मिस्टेक वायलेटेड द एयर स्पेस और द बॉर्डर एंड वॉज शॉट डाउन, दैट इज ऑल। भाई देखिए उसने इंट कलेक्शन या इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्टिविटी या गलत तरीके की एक्टिविटी, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो या तो उसमें वो जो रिकॉर्डर है उसमें आ जाएंगी और आप भी प्रूफ कर पाएंगे कि देखिए आपने बोला है वायलेट, लेकिन ये हमारे पास एडिक्वेट प्रूफ है। और इसमें हमें सेंसेशनलाइज करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एक झूठ की मोहताज होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपका और मेरा लेवल इतना हाई होना चाहिए कि भाई अगर हमारा सैनिक आपकी तरफ आया है तो जरूरी नहीं है इंटेलिजेंस के लिए आया है। इसी तरह अगर आपका सैनिक किसी तरह भटक गया है, पानी में गिरकर इधर उधर हो गया है, फाइन वी कैन इंटेरोगेट हिम, देयर इज अ प्रोसीजर, और उसको वापस दीजिए, बात खत्म। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जो आप बात कर रहे हैं वो इसी तरह शुरू होगी। किस तरह शुरू होगी कि एक आप और एक मैं आरजू जी के प्रोग्राम के ऊपर दोनों देशों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम इवेलुएट कर रहे। हमारे बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि मैं भी तैयार हूं आप भी तैयार। प्रॉब्लम ये जब होगा जब मैं इस समय आप में एज ब्रिगेडियर ये देखूं कि आप कितने यंग लग रहे हैं, आपके सारे बाल काले हैं, आप बिल्कुल काबिले तारीफ लग रहे हैं, आप जी बहुत स्मार्ट लग रही हैं, उनके पीछे बना हुआ वो पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड है वो अपने आप में यूनिक है, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है मुझे। ऐसा मेरी सोच है कि जी आरजू जी पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट करेंगी, तो मैं क्यों नहीं करेंगी। मैंने इसीलिए शुरुआत में बोला नेशनलिस्टिक नरेटिव हर चीज में ना डाले, दोनों के लिए दैट इज व्हाट। श्योर डेफिनेटली जी ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मैं बिल्कुल मैं काफी हद तक मुत्तफिक भी हूँ। लेकिन देखें कि एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपके मेजर गौरे यार, उसके बाद आपके जो हैं वहाँ का मीडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जब ये बात करेंगे कि हम बलूचिस्तान में ये कर देंगे, शिया सुन्नी में लड़ाई कराएंगे, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, पाकिस्तान का खुदा ना खाता छोटे हिस्से कर देंगे, तो एक ऑटोमेटिकली मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। एक तो हमें ये बिल्कुल पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड टू अ लिमिट कि हमारा मिसट्रस्ट खत्म हो गया, जिस तरीके से कश्मीर में जो कुछ हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई कि आपने 370 को रिवोक कर दिया, 35A को कर दिया, डेमोक्रेटिक चेंजिंग के लिए नए कानून ले आए, उसके बाद आपने लॉक पूरे उनको लॉकडाउन में ले आए, दुनिया ने इसके ऊपर काफ़ी बातें भी की, आप यूनाइटेड नेशन में मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को आप श्रीनगर से आगे आने नहीं देते हैं, आप उनको बॉर्डर पर नहीं जा देते, जबकि पाकिस्तान में दे कैन गो एनी वेयर। बिल हमने तो पूरे डिप्लोमेट्स को 2-3 दफ़ा लेकर गए, जब आपने वहां पर बालाकोट में अटैक किया हमने वहां पर उनको लेकर गए। मैं आपका ये वाला सवाल पहले लूंगा क्योंकि लकीली इस सवाल के ऊपर मैं बड़ी अथॉरिटेटिवली बोल पाऊंगा और वो बड़ा कन्विंसिंग होगा। देखिए मैंने क्या बोला, 5000 का साल का जो साथ है उसमें एक चीज कॉमन है, चाहे हम माने या ना माने, और वो कॉमनैलिटी है हमारे बेसिक कैरेक्टर की। और उस बेसिक कैरेक्टर में जो सिपाही, जो बॉर्डर विलेजेस का रहने वाला रेजिडेंट जो है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का, और मैं इस समय पाकिस्तान के लिए भी उतने ही अथॉरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, ये लोग वो हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये अपनी मिट्टी एक इंच नहीं छोड़ेंगे आपके कहने से। बाय द वे क्योंकि ब्रिगेडियर साहब को एक्सपीरियंस होगा इस बात का कि जब वॉर के टाइम में भी जहां बिल्कुल प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है कि आप पीछे आ जाइए और उनको सेफ एरियाज में ले जाया जाता है, तब भी पंजाब, जम्मू, इस तरह की जो कंट्री, जो हमारे स्टेट्स हैं, इनके अंदर आपकी साइड भी और मेरी साइड भी
जो जवान लड़के होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो अभी भी गांव में रहते हैं चाहे कितनी बड़ी वॉर हो जाए, क्योंकि उनका सोच, उनका कहना है ये मेरी मट्टी है, ये मेरा गांव है, ये मेरी जमीन है। अब आगे बात जो आपने मेरे से सवाल पूछे हैं, मैं उनको सीरियल नंबर में नहीं बता पाऊंगा। देखिए आपने बोला लॉकडाउन, लॉकडाउन देश नहीं इंटरनेशनली कहीं भी हो अच्छी बात है, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी पब्लिक के लिए। इसमें हमें एक दूसरे को बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आपने वहां, मैं यही बोल रहा हूं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। दैट मींस व्हाट, लॉकडाउन इज अ बैड थिंग, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, विच इज अनफॉर्चुनेट। आई एम यूजिंग दैट वर्ड वेरी सिंपल। कमिंग टू दैट आर्टिकल 370 एंड 35 ए, देखिए सर इसको बड़े प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसको इवेलुएट करिए। 70 साल से था तब भी कुछ नहीं हुआ, वो भाई अगर 2 साल नहीं भी है, 5 साल नहीं भी है, 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस करने की बात कर रहा हूँ। मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वन पर्सन हु वुड नॉट लाइक टू क्रिटिसाइज द होस्ट कंट्री, एंड इन दिस प्रोग्राम द होस्ट कंट्री इज पाकिस्तान। आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज, आई एम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई एम हेयर टू इवेलुएट विद यू, आई एम हेयर टू एनालाइज थिंग्स विद यू कि क्या बेटर हो सकता है। सो हम कह रहे हैं अगर 370 बाई चांस गलत है सही है, देखिए ये तो अब बियॉन्ड रिपेयर होगी बात। तो इस वजह से अगर 70 साल में उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो भाई 5 साल, 2 साल, 7 साल, 10 साल।